एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया, कुछ खास लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज को क्या बताया, फ्रैक्शन में था, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताई थी। और आज परसेंटेज में दिया रहेगा क्वेश्चन, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज इसको परसेंट लिख सकते हैं, परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। प्रति मीन्स क्या होता है, प्रति जोड़ सत, कितना होता है, प्रति मीन्स क्या होता है, प्रत्येक। सत मीन्स क्या होता है, सौ। तो सौ किसी भी ऑब्जेक्ट में से 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, ये होता है। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, क्या है, 100% है। ओके, 100%, ये एक सेकेंड, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं, हाँ 1/100 लिख सकते हैं। तो हंड्रेड परसेंट इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। 100% हो गया, तो ये 100 यहाँ लिख देंगे, परसेंटेज की जगह पे क्या है, 1/100 इंटू 1/100। 2 से 0 कैंसिल हो गया, कितना होगा, 1 1 1 1 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 75%, 25 इंटू परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज का 1/100, परसेंटेज को क्या होता है, 1/100। 25 3 जा 75 25 4 जा 100, क्या हो गया, 3 1 जा 3 4, 3/4। अब सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 50%, ठीक है। तो क्या हो गया, 50, इसको ऐसे ना लिख के, बाई 75 में 1 से मल्टीप्लाई करना, 75 होगा बाई 100, इसको ऐसे ना लिख के बाई 100 लिख सकते हैं, ठीक है। बात वही हुआ, सेम हुआ, 51 जा 50 52 जा 100, कितना हुआ, 1/2। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 25%, 25% का कितना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, 25 हो गया, परसेंटेज बाई 100, क्या हो गया, 25 1 जा 25 25 24 25 4 जा 100, 1/4। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या है, 20% 20% 20 बाई परसेंटेज मतलब 1/100, 100 हो गया, 21 जा 20, 25 जा 100, 25 जा कितना होता है, 100 होता है, 1/5। इसको परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। और छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन 10% का वैल्यू क्या होगा, 10% का, 10/100, 1 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना होगा, 1/10, फ्रैक्शन में हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन हो गया, 5% को क्या, 5/100, कितना हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1 0 कितना हो गया वैल्यू, 1/20। 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ, 1/20। क्या है, 2%, ठीक है, 2% परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 2/100, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 1 0 बचा, कितना हुआ, 1/50। अब 10% 10/100, 1 से 1 0 कटा, कितना हो गया, 1/10। अब कितना हो गया, 5% 5 का कितना हो गया, 5/100, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1 0 कितना हो गया, 1/20। है ना इजी, बहुत इजी है। 24% 24% क्या कितना हो जाएगा, 24/100, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 6/25 हो गया। अब अगला क्या है, अब अगला है 38% ओके, 38/100, 38/100 कितना हो गया, 38/100 इसको कटाते हैं किससे, 2 के टेबल से, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 0 कितना हो गया, 19/30। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 55%,
55%, 55 by 100, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10, 10 कितना हो गया, 11 by 20, 11 by 20। अब अगला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन हो गया 96%, 96 by 100 कितना हो गया, 4 × 8, 4 × 4 = 16, 4 × 8, 4 × 5 = 20 कितना हो गया, 24 by 25, फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंटेज में है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, है हो गया। अब इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, 120%, 120% का कितना हो गया, 120/100, 1 से 1 0 कटा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6 by 5% हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 60%, ओके 60 by 100, 1 से 1 0 कटा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 कितना हो गया, 3 by 5% कितना हो गया, 3 by 5% हो गया। अब कितना 100, 200 देखती हूँ, 210, 210% का कितना होता है, 210/100, 1 से 1 0 कितना हो गया, 21/10। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।